आज आप लोगों ने क्या किया? देखिए, जात पात तोड़मंडल जो संस्था, इसका एक प्रोग्राम था धरना स्थल पर प्रयागराज की धरती पर। इसका मुख्य उद्देश्य है जो भारत देश में सामाजिक व्यवस्था में जात पात से जो पीड़ित लोग हैं उनसे उनको बचाना, और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको भी ये संस्था आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार की जातिगत समस्याएं जो लोगों के पास आती हैं और उसका कोई निराकरण नहीं होता, यह संगठन उनके लिए तत्पर खड़ा हुआ है। भारत देश में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उसके मूल जड़ में जाइए तो जातिगत समस्या ही कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। अगर जातिगत समस्या को समाप्त कर दिया जाए, सबको समान कर दिया जाए, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य भारत देश में जातिगत व्यवस्था को, जैसी ये कुरीति है, इस कुरीति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। जैसे भारत देश स्वतंत्र हो चुका है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन ये जो कुप्रथा है, जाति नामक जो कुप्रथा है, अब पर भी ये लगातार समाज में चली आ रही है। तो इस संगठन की मुख्य विचारधारा मेन रूप से इसको, इस जातिगत समस्या को, जो कुरीति को पूरी तरीके से समाप्त करना या उखाड़ फेंकना है, इसकी विचारधारा का इसका यही मुख्य उद्देश्य है। और इसी के तहत आज जनसभा का आयोजन किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया, महिलाएं भी इसमें प्रतिभाग की, उनका भी मुख्य उद्देश्य, उन्होंने ये नारे लगाए और ये प्रतिबद्धता दिखाई कि अब हम कभी भी समाज में जातिगत जो समस्या उसमें प्रतिभाग नहीं होंगे, और ऐसी जो जातिगत जो ये समस्या क्रिएट करेंगे उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। यह इसका मुख्य उद्देश्य। नाम बताइए। ये मैं अतुल कुमार, जात पात तोड़ मंडल अध्यक्ष, इस जनसभा को संबोधित करने के लिए आज मैं यहाँ पे एकत्रित हुआ।